मस्जिद में लाउडस्पीकर से अजान पर राज्य मंत्री को आपत्ति। उत्तर प्रदेश सरकार संसदीय कार्य एवं ग्राम राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने डीएम को पत्र लिख जताई आपत्ति। डबल डेकर पलटी, एक दर्जन यात्री हुए घायल। गुड़गांव से पश्चिम बंगाल मालदा जा रही थी बस। बस में सवार विधानसभा चुनाव में मतदान में भाग लेने जा रहे थे सभी यात्री। बस हुई हादसे का शिकार। आगरा एक्सप्रेस वे के खंभा नंबर 43,900 थाना मरसेना क्षेत्र की घटना। डीजीसीए ने 30 अप्रैल तक सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को किया रद्द। कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की संख्या भारत में एक बार फिर बढ़नी शुरू हो गई है। ऐसे में नागरिक विमानन महानिदेशालय ने सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लागू निलंबन को 30 अप्रैल 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। टल सकती हैं बोर्ड की परीक्षाएं। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दिया संकेत। पंचायत चुनाव की डेट के बाद आएगी बोर्ड की परीक्षा की तिथि। 24 अप्रैल से शुरू हो रही हैं बोर्ड की परीक्षाएं। यूपी में होली व शबे बारात त्योहार के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने 25 मार्च से 30 मार्च तक पुलिस कर्मियों की छुट्टी निरस्त करने के आदेश दिए हैं। यूपी के कन्नौज जिले में बीटेक के छात्र ने मानसिक तनाव नापने की मशीन बनाई है। छात्र ने अपनी बहन को मानसिक तनाव में देखा और ये डिवाइस बना दी। मशीन बनाने वाले असित तिवारी बीटेक फाइनल ईयर के छात्र हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल होगी। भारत को लगा बड़ा झटका। क्षेत्र रक्षण के दौरान श्रेयस अय्यर के बाएं कंधे में लगी चोट। तिरुपति तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी ने अरिजीत सेवा पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 14 अप्रैल से तिरुपति में भक्त अरिजीत सेवा कर सकेंगे। अधिग्रहित सेवा टिकट के धारकों को 3 दिन पहले कोरोना परीक्षण करवाना होगा। अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलटा ट्रक। ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की हुई मौत। एक महिला गंभीर रूप से हुई घायल। वाराणसी की गई रेफर। और आई कोतवाली क्षेत्र के घाटमपुर की घटना।